तो फाइनली हमारे पास आ गई है हमें पिक्सल वॉच फायरबोल्ट की तरफ से। जी हाँ, फायरबोल्ट ने एक्चुअली कॉपी करा है पिक्सल वॉच का, जो कि नाम रखा है रॉक, और ये बजट यानी कि बजट बहुत ज्यादा बजट में लॉन्च करी है। तो इंटरेस्टिंग सी वॉच है, दिखने में तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बट फीचर वाइज कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल है तो फटाफट से अपन वीडियो में जानते हैं। तो डब्बा खोलते हैं, डब्बे आपको बढ़िया सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साइड में कुछ की हाइलाइट्स रखे हैं डिवाइस से रिलेटेड। कंटेंट पैकेज की बात करें तो आपको वही फायरबोल्ट के कुछ गिफ्ट कार्ड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, साथ ही मिल जाएगा आपको एक वारंटी कार्ड एक साल का, और एक आपको मिल जाएगी मैनुअल सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और एक मिल जाती है आपको चार्जिंग केबल पोगो पिन वाली, और साथ में छोटे छोटे हुक दे रखे जिसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इसका यूजेज क्या है। अब बात कर लेते हम लोग यहाँ पे सीधे स्मार्ट वॉच को लेकर, तो भाई स्मार्ट वॉच का डिजाइन तो मतलब प्यार हो जाएगा आपको, क्योंकि लुक में बहुत ही ज्यादा एकदम आपको पिक्सल वाला लुक जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगर मैं बेल्ट को लेके बात करूं तो मेटेलिक बेल्ट है, फिनिश बहुत प्रॉपर कर रखी है, मतलब आप शाइन को लेके बात करें या ऊपर यूज करेगा कर्व ग्लास को लेके बात करें, हर एक चीज जो है बहुत अमेजिंग इन्होंने यहाँ पे यूज कर रखी है। साइड में आपको दो बटन देखने को मिलते हैं, एक तो रोटेटिंग आपका क्राउन टाइप है प्लस बटन के तौर पर भी काम करता है, और एक ऊपर आपको सिंगल पुश बटन दे रखा है जो कि स्पोर्ट्स मोड के लिए डेडिकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। अब अगर नीचे बात करें तो नीचे के सेंसर वगैरह दे रखे हैं। स्ट्रैप्स की बात करूं तो ये जो स्ट्रैप्स हैं ये है तो 22mm के, बट जो लॉकिंग सिस्टम है वो बड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। यूजुअली जो आपने देखे होंगे ना लॉकिंग सिस्टम वो पिन वाले रहते हैं, बट यहां पर जो लॉकिंग सिस्टम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस यहां पर एक छोटे छोटे से जो ब्लैक वाले जो चीज मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, इसका यहां पर आपको प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा उन्होंने प्रोवाइड कर रखे कि इनके अगर गुम जाते हैं तो आप लगा सकते हो, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा ना इस पे काम करना था, ये लॉकिंग सिस्टम डिफिकल्ट है थोड़ा सा। प्लस कॉन ये भी कि आप चेंज नहीं कर सकते आफ्टर, अगर मार्केट आपको कुछ चेंज करना है बेल्ट वगैरह तो वो आप कर नहीं पाओगे, तो ये थोड़ी दिक्कत है। बाकी अगर बात करें तो डिजाइन नो डाउट बहुत इंप्रेस करेगा आपको यहाँ पे। अब अगर बात करें यहाँ पे इसके फीचर्स को लेके, तो फीचर्स में यहाँ पे जो मेजर हाईलाइट है वो है इसका डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले जो है आपको बहुत अमेजिंग देखने को मिलता है। ये है एमोलेड डिस्प्ले और 1.3 इंच का एमोलेड डिस्प्ले इन्होंने यूज कर रखा है। ब्राइटनेस मोर देन इनफ आपको मिल जाती है, 550 निट्स इन्होंने यहाँ पे क्लेम करी है। अब आउटडोर में भी यूज करोगे तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, विजिबल हो जाती है। साथ में कोई वेक गेस्चर वगैरह वाली चीज मिल जाती है आपको, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है जो कि काफी लोगों की प्रायोरिटी रहती है, तो वो बहुत बढ़िया लगते हैं यहाँ पे। कस्टमाइज मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में दो आपको मिल जाते हैं, आपका एक डिजिटल और एक आपको एनालॉग मिल जाता है, जो आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, और ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाता है तो काफी सही लगता है वो तो यहाँ पे। प्लस यहाँ पर आपको वेक गेस्चर भी दे रखा है, इनकेस अगर आपको वेक गेस्चर यूज करना है तो ट्विस्ट अप करने में आपके जो डिस्प्ले है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन हो जाता है। तो डिस्प्ले तो नो डाउट काफी सही है, आपको यहाँ पे अमेजिंग मिल जाता है। अब रही बात यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस को लेके, तो बैटरी परफॉर्मेंस कंपनी तो कहती है देखो कि अप टू 7 डेज तक चल जाती है, पर चूंकि कॉलिंग वाले फंक्शन के साथ में आती है, एमोलेड प्रोवाइड कर रखा है, तो 2 से 3 दिन आपकी ये जो है मैक्सिमम वॉच चलेगी, जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतनी वॉचेस रिव्यू करने का। साथ ही साथ ये वॉच IP68 रेटिंग के साथ में आती है, तो वो एक बढ़िया बात हो जाती है, अगर आप इसको स्विमिंग पूल में पहन के जाने वाले हैं तो पहन के जा सकते हो, और 15 मीटर तक की रेंज में आपकी वॉच को कुछ नहीं होने वाला। साथ ही साथ 30 मिनट यानी 30 मिनट से ज्यादा आप पानी के अंदर रहना मत, नहीं तो फिर खराब होने के चांसेस बन सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको जो सेंसर वगैरह दे रखे हैं वो सारे आपको जो फुलफिल करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट, वो आपको हमें प्रोवाइड इन्होंने कर रखे हैं। कमिंग टू द पार्ट ऑफ UI, क्योंकि UI एक बहुत मेजर चीज हो जाती है इंटरेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, तो UI स्मूथ वर्क कर रही है और सारी जो फंक्शनैलिटी है वो आपको प्रॉपर यहाँ पे मिल जाती है, और इस तरह की UI आपने देख रहे हो क्योंकि फायरबोल्ट की पहली जो वॉचेज आ रखी है उनमें भी उन्होंने यूज करी है। तो सेम टॉप से करने पर आपको टॉगल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, नीचे से करने पर आपको जो नोटिफिकेशन वगैरह आती है वो देख सकते हैं, साइड से करने पर आप जो आपका HR है आपका SPOT जो भी हेल्थ रिलेटेड आपके जो फंक्शंस हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। अदर साइड से करने पे आपको यहाँ पर एक साइड बार अपीयर हो जाता है, जो भी आपने रिसेंट चीजें ओपन कर रखी है ना तो वो डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। बाकी अगर आपको यहाँ पे वॉच फेसेस चेंज करना है तो धीरे से क्राउन को रोटेट करो तो आपके जो वॉच फेसेस यहाँ पे इजीली जो है चेंज हो जाते हैं। अब वॉच में काफी सारे वैसे तगड़े तगड़े फीचर प्रोवाइड कर रखे हैं, जो मेजर हाईलाइट फीचर मिल जाता है कहीं ना कहीं वो है कॉलिंग। अब कॉलिंग की जब भी बात करते हैं तो आपको मेन 3 चीजें मिल जाती हैं, आपका डायल पैड मिल जाएगा, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, प्लस आपको कॉल हिस्ट्री वाला ऑप्शन मिल जाता है, जो भी प्रीवियस कॉल वगैरह आ रखे हैं वो भी आप वॉच में देख सकते हो। अब रही बात परफॉर्मेंस को लेकर, तो अपन एक छोटा सा क्विक टेस्ट लेते हैं किसी की परफॉर्मेंस निकल कर आती है, बाकी आप ही कमेंट कर देना कि आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वॉच के माइक्रोफोन से आ रही है, और ये वॉच कॉलिंग के टाइम पे कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस आपको देगी, और कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर। रेस्ट अगर फीचर्स पे नजर डाले तो यहाँ पे आपको हेल्थ पर्सपेक्टिव से 4 चीजें बढ़िया मिल जाती हैं। सबसे पहले आपको मिल जाएगा वही स्टेप काउंटिंग, कितना आपने एक्टिविटी करी, कितना मूवमेंट आप कर रहे हैं। सेकंड आपको मिल जाएगा HR और SPO2। अब परफॉर्मेंस एक्यूरेसी को लेकर जब भी बात करता हूँ मैं, तो मैंने हमेशा रिकमेंड किया है आप लोगों को कि आप प्लीज ना मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट यूज करो। ये वॉचेस जो होती है आपको सिर्फ एक टेंटेटिव आइडिया देने के लिए होती है, एग्जैक्ट अगर आपको डाटा चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको वो ज्यादा बेहतर प्रोवाइड करेंगे मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स। रही बात यहाँ पे स्लिप मॉनिटरिंग को लेकर, तो वो भी आपको मिल जाएगा, कितना आपने हार्ट स्लिप किया, लाइट स्लिप किया है, तो वो सारी जो फंक्शंस हैं वॉच में आपको सारे अवेलेबल कर रखे हैं। कमिंग टू द यहाँ पे मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर जो कि वर्कआउट मोड्स, तो वर्कआउट मोड बहुत सारा दे रखे हैं आपको, 110+ मोड्स आपको मिल जाते हैं, और जब भी आप एक्टिविटी
करने चाहते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इनको यूज करो, क्योंकि इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कितने कम टाइम में कितनी कैलोरीज बर्न कर रखी हैं, सारी चीजें जो है आप प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सकते हो अगर आप हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। बाकी आपको वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाला फंक्शन मिल जाएगा, थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स अप कर सकते हैं, और भी आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग के लिए उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, तो अगर फीमेल्स वॉच को परचेस करने वाली हैं तो वो उनके काम आता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज हैं वो ट्रैकअप कर सकती हैं, म्यूजिक वगैरह कंट्रोल करना है तो वो आपको मिल जाएगा, स्टॉप वॉच टाइमर और आपका जो बेसिक अलार्म वगैरह है तो वो तो यहाँ पे दे ही रखा है उन्होंने, इवन आपको कैमरा कंट्रोल और फाइंड माय फोन वाला फंक्शन भी मिल जाता है। सेटिंग्स में अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो आपको स्क्रीन ऑन ऑफ करनी है, टाइम बढ़ाना है स्क्रीन को तो वो आप बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह बढ़ानी तो वो आप बढ़ा सकते हो, एओडी आपको कौन सा चाहिए डिजिटल एनालॉग वो आप स्विच कर सकते हो, रेस टू वेक वाला गेस्चर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए तो वो सेटिंग मिल जाएगी, बैटरी की सेटिंग मिल जाती है, वाइब्रेशन की इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो क्योंकि उतनी ज्यादा इंटेंसिटी इसकी है नहीं, मतलब डिसेंट वर्क करती है, लैंग्वेज जो क्यू आर कोड मिल जाता है, बट इंटरेस्टिंग मिल जाता है आपको यहाँ पे पासवर्ड वाला ऑप्शन है, पासवर्ड वाला ऑप्शन बड़े काम में आता है, देखो जब भी हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं, जैसे कि ओटीपी वगैरह आती हैं, तो कभी अगर हम लोगों ने इसे वॉच उतार के रखी है, दूर रखी भी है, और किसी ने अगर आपकी ओटीपी रीड कर ली और उसका यूज कर लिया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकते हो, तो ये पासवर्ड अगर आप लगाते हैं तो आपकी ओटीपी वगैरह जो है सेव रहती है, कोई एक्सेस नहीं कर सकता आपके डाटा को वॉच में, तो ये बड़े काम की चीज़ और अच्छा होगा कि उन्होंने ये चीज़ हमें प्रोवाइड कर रखी है। रेस्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो वही रीसेट वगैरह करना है या आपको रिस्टार्ट करना है तो वो सारी सेटिंग्स में आपको मिल जाता है। अब मेजर जो कंसर्न होता है ना काफी सारे यूजर्स का, कि हम लोग वॉच फेसेस वगैरह लगा सकते हैं कि नहीं वॉच में, और चूंकि ये एमोलेड वॉच ना तो इसमें वॉच फेस बढ़िया दिखते भी हैं और पिक्सल रिजोल्यूशन वगैरह काफी अच्छे उन्होंने यूज करा, तो काफी क्रिस्प आपको यहाँ पे मिलती है। अब एप्लीकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे ऑनवेयर प्रो करके ये एप्लीकेशन मिलेगी, जिस एप्लीकेशन में आप जाके देख सकते हैं फ्रंट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है, कस्टमाइज वॉच फेस वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप जा सकते हैं, बहुत सारे आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल, अगर आपको डाउनलोड करना है तो वो आप डाउनलोड करके लगा सकते हो, नोटिफिकेशन वगैरह रिमाइंडर्स वगैरह तो वो सारी सेटिंग्स और फीचर्स आपको जो है मिल जाते हैं यहाँ पे, तो कुछ बेसिक एप्लीकेशन है जो आपकी कनेक्टिविटी के मामले में कहीं ना कहीं प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको दे देती है। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ कंक्लूजन, क्योंकि फिलहाल जो वॉच है ना इसकी प्राइसिंग जो है वो 3,500 रुपए का, ये लॉन्च के टाइम पे थोड़ी सी प्राइसिंग कम थी और करेंटली आपको ये 3,500 रुपए के प्राइस पॉइंट में मिल रही है, तो ये मेजरली किन के लिए अच्छी रहने वाली है। पहली बात मैं अगर रिकमेंड करूं तो ये मेल फीमेल दोनों पे बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि रीजन कॉम्पैक्ट है, डिजाइन बहुत अमेजिंग है और स्लिम कहीं ना कहीं आपको मिलती है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी है या डायल बहुत ज्यादा बड़ा जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो मेल फीमेल दोनों इसको परचेस कर सकते हैं, कलर्स भी काफी सारे अवेलेबल कर रखे हैं इन्होंने। मेजर जो है वो डिस्प्ले है, डिस्प्ले बहुत अच्छा दे रखा है, तो आप एक अट्रैक्टिव कूल लुक चाहते हैं पिक्सल वाला कहीं ना कहीं अगर आपको फंडा चाहिए तो भाई ये वॉच आप लोगों के लिए बहुत सही है, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, बड़ी प्राइसिंग अगर कम ज्यादा होती है तो वहाँ पे आप चेक करो तो आपको और बेनिफिट वगैरह मिल सकते हैं, तो इसकी जो बेस्ट बाय लिंक है फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और भी कुछ सवाल या कुछ क्वेरीज हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बाकी ना भाई के लिए एक वीडियो को लाइक जरूर से मार देना और जरूर से शेयर करना जिन लोगों को पिक्सल टाइप वाली वॉच चाहिए। बाकी बस इतना ही था इस वीडियो में, जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटन रहिएगा इंदौरी स्टोरी के साथ।